बार फिर से रेड लाइन को टच करके देखेंगे। 120 हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ वोल्क्सवैगन पोलो के बारे में। और इस कार में जो प्रॉब्लम है ये है येलो कलर का जो लाइट है वो ब्लिंक करता है और कुछ इस तरीके से फोल्ड कोड आते हैं जो कि है फ्यूल रेल सिस्टम प्रेशर टू लो। बेसिकली जब भी ये फोल्ड कोड आते हैं तो ये कार एक तरीके से पिकअप भी ड्रॉप कर देती है, पिकअप काफ़ी लो हो जाता है। और ये इसका किलोमीटर वगैरह मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ टोटल। और इस कार में जो मेनली प्रॉब्लम आती है, कभी कभी ये कार एक्सीलेटर भी छोड़ देती है, यानी कि अगर आप एक्सीलेटर पेडल को पूरा प्रेस भी करते हैं, ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कार एक्सीलेटर नहीं ले रही है। और कभी कभी आप जब इसको चार पांच बार प्रेस करते हैं अचानक से कार में एक्सीलेशन भी आ जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है इस कार के अंदर, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। और साथ ही साथ इस कार में होता है कि जब आप इस कार को कंटिन्यू ड्राइव करते रहते हैं तो ये कार ओवरहीट भी हो जाती है। ये आप देखते हैं सामने जो इंडिकेशन है, अब रेड कलर का इंडिकेशन आ रहा है, यानी कि कार का जो इंजन है वो बहुत ही ओवरहीट हो रहा है। और उसी टाइम बाद, यानी कि जब भी येलो लाइट और टेम्परेचर लाइट आती है उस कंडीशन के दरमियान, यानी कि इसमें एक तरीके से ब्लैक स्मोक भी आना स्टार्ट हो जाता है। अब हम कार को वर्कशॉप लेके आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कार में ब्लैक स्मोक किस तरीके से आ रहा है। जब भी ये कार रोड पे होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि आग लग गई है पीछे से, इस टाइप से एक तरीके से स्मोक कर देता है। पीछे की गाड़ियाँ जो भी होती हैं सब डर जाती है एक तरीके से, बहुत ही भयंकर तरीके से स्मोक देती है ये कार। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है। अभी हम कार को वर्कशॉप के अंदर लगा रहे हैं और इसको लगाने के बाद इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम हम आपको डायग्नोस करके चेक कराएंगे। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, साथ ही साथ इस ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, और साथ ही साथ इसमें जो ग्लो प्लग की लाइट जो आती है इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करेंगे, यानी कि फ्यूल रेल सिस्टम या ब्रेक पिकअप की जो प्रॉब्लम आ रही है। ये कार एक तरीके से मैं कहूँ तो लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर नहीं जा पाती है। ओके, तो ये 100 भी क्रॉस नहीं कर पाती है, ओनली 80 तक ही रह जाती है, 80 तक। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये है गाड़ी वोल्क्सवैगन पोलो 1.2 लीटर TDI इंजन डीजल। ओके, तो ये डीजल वेरिएंट है। और इस कार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम आपको लास्ट में टेस्ट ड्राइव लेकर के हर तरीके से चेक कराएंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ जरा भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि मैं सारे छोटे से छोटे पॉइंट भी इस वीडियो में लेने वाला हूँ। ओके, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो बिल्कुल लाइव दिखाएंगे आपको किस तरीके से हम इस कार की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और बाकी का नेक्स्ट वीडियो आपको पोलो का आना है, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ऑडी Q5 है। इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है उस पार्ट के ऊपर भी हम इसमें कुछ पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं, उसका भी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले प्रॉब्लम चेक करेंगे इसकी ओवरहीटिंग की, क्योंकि इसके इंजेक्टर वगैरह खोलने से पहले या फ्यूल सिस्टम खोलने से पहले तो इसमें अभी गैस है, क्योंकि अभी हम इस कार को चला के लेके आए। तो आप देख सकते हैं कार अभी भी हीट है और उसका जो फैन है वो अभी भी एक तरीके से चल रहा है और कार का जो इंजन है वो बंद है। और ये देखिए ओवरफ्लो भी हो रहा है पूरे ओवरहीट होने की वजह से, और देखिए यहाँ से पाइप के पास से भी आवाज़ भी आ रही है इसमें, कट 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 कूलेंट वॉश भी कर रहा है इसमें से आवाज़। तो काफ़ी हीट है इस समय कार के, तो अभी निकालते हैं इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद। इसके कूलेंट का ये वाला होश पाइप हम यहाँ से हटाएंगे और उस पाइप को निकाल करके पहले हम इसका वाटर रूम चेक करेंगे, वाटर रूम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद ही हम इसका, फिर अगर वाटर रूम काम नहीं करेगा तो उसका वाटर रूम खोलेंगे, आगे का जो रेडिएटर होता है उसको खोलेंगे, टर्बो चार्जर चेक करेंगे कैसा है क्या कंडीशन है, फ्यूल इंजेक्टर खोलेंगे क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर का भी प्रॉब्लम है इस कार में, फ्यूल सिस्टम रेल प्रेशर टू लो आ रहा है। ओके, और टर्बो चार्जर के कुछ कोड वगैरह हैं तो उसके लिए भी हम ये वैक्यूम पाइप है, इंटर कूलर है, उसकी लीकेज वगैरह चेक करेंगे। तो स्मोक हमने आपको दिखा दिया किस तरीके से क्या स्मोक आ रहा है इस कार के अंदर। तो अभी हमने अभी ये कार लगाई हुई थी वर्कशॉप के अंदर, लेकिन वहाँ पर अभी हमने दूसरी कार लगा दी है क्योंकि उस कार में एसी का काम होना है इसलिए। गैस निकल गई ना, तो ये देखिए यहाँ से गैस थी वो निकाल दिए। तो काफ़ी केयरफुल तरीके से ये आपको खोलना होता है, अगर आपने ज़रा सा भी इस पर डील दे दिया तो हो सकता है साथ आपके हाथ वगैरह जो है जल सकता है। तो बड़ी ही सावधानी से सेफ तरीके से आप इसको खोलिए गैस वगैरह प्रॉपर निकालने के बाद ही, क्लिप को हटा करके आप चेक कर सकते हैं जो कूलेंट का सर्कुलेशन है प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। चल बेटा करिए गाड़ी स्टार्ट। तो अभी हम करेंगे इस कार को स्टार्ट,
और स्टार्ट करके चेक करेंगे ये जो वाटर पंप है काम कर रहा है या नहीं। देखिए इंजन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई कूलेंट वगैरह नहीं आया है, ना ही कोई पानी का ये बूंद भी नहीं आया। तो एक बार इसमें एक्सीलरेशन करके चेक करते हैं, एक्सीलेटर लगाओ। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर बिल्कुल भी फ्लो नहीं चल रहा है, यानी कि कूलेंट का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल भी कूलेंट का सर्कुलेशन नहीं हो रहा, यही प्रॉब्लम है इसमें ओवरहीटिंग के लिए। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, ये जो पाइप है जिस जगह से आया है यानी कि इसकी लोकेशन है, ये यहाँ एल्बो पर लगाया है, दूसरी साइड यहाँ रेडिएटर के होस पाइप पर लगाया है। तो सबसे पहले हम इस पाइप को चेक करेंगे, अगर ये पाइप चोक होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले हमें ये पाइप चेक करना है, पाइप अगर चोक तो नहीं है, चोक नहीं है तो फिर हम इसका वाटर पंप खोलेंगे। तो कार बंद कर दी है लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो यानी कि मेनली जो प्रॉब्लम है इसका कूलेंट सर्कुलेट नहीं हो रहा है। अब वो किस वजह से नहीं हो रहा है ये चीज़ चेक करते हैं, और उसके बाद हम खोलेंगे इसके ये फ्यूल इंजेक्टर जो कि इस जगह पर फिटिंग है। अभी हमने इस जगह से इस पाइप को हटाया हुआ है क्योंकि इस जगह से ये सीधा कनेक्टेड है इस जगह से, और इस जगह से भी हटाने के बाद कार स्टार्ट करने के बाद यहाँ से भी पानी का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो ये पाइप अभी कनेक्टेड है यहाँ रेडिएटर साइड और थर्मोस्टेट एलो पे, तो इन दोनों जगह से भी निकालने के बाद चेक करते हैं इस जगह से इस पाइप में क्या सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक इसमें पानी का जो फ्लो है वो अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो आगे से भी एल्वो और रेडिएटर दोनों साइड से निकालेंगे और उसके बाद ही हम इसका जो रेडिएटर और वाटर पंप वगैरह है उनको चेक करेंगे। तो अभी हमने इस जगह से इसका जो पाइप था यानी कि रेडिएटर और थर्मोस्टेट एल्वो इस जगह से इस लोकेशन से भी इसको पाइप को हटा के देख लिया है, और यहाँ रेडिएटर से भी इस पाइप को हटा करके देख लिया है। तो बिल्कुल ना तो यहाँ पर पानी आ रहा है यानी कि जो कूलेंट का सर्कुलेशन है वो नहीं हो रहा है, और इस जगह से भी इस पाइप को हटा के देख लिया। तो ये आपको दिखा देता हूँ, ये पाइप देखिए बिल्कुल अलग हटा दिया है, और इसमें एयर लगा के भी अच्छे से चेक कर लिया है, एयर लगा के भी एक बार आपको एक बार हवा लगा रहे हैं, हवा आ रही है। ओके, तो यानी कि पाइप बिल्कुल ऑल ओके है। अब प्रॉब्लम है इस कार के रेडिएटर और वाटर पंप को हम चेक करने की, तो उसके इंजेक्टर टर्बोचार्जर रेडिएटर वाटर पंप ये चारों चीज़ चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें खोलना होता है इसका फ्रंट साइड से ये फ्रंट बम्पर, और आगे का कुछ ग्रिल वगैरह होता है उस पार्ट को खोलना होता है। तो खोलते हैं इस पार्ट को और निकालते हैं इसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल बाहर। तो ये आप देख सकते हैं इस जगह पर अभी हमने खोला हुआ है इसका फ्रंट साइड का बम्पर, और आगे की साइड से अभी हम खोल रहे हैं इसका रेडिएटर और इसका टर्बोचार्जर इंटरकूलर, और साथ ही साथ यहाँ से खोलेंगे हम इसका वाटर पंप और कुछ रेडिएटर होज वगैरह, और इस साइड हम खोल रहे हैं इसके फ्यूल इंजेक्टर। तो ये देखिए फ्यूल इंजेक्टर के भी हमने बोल्ट वगैरह पाइप वाइप सब कुछ कॉम्पोनेंट से अलग हटा दिए, तो इसकी कॉम्पोनेंट वगैरह भी सारी चीज़ें खोल रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने इस पर जो भी सारी चीज़ें थी यानी कि बेसिक जो होता है पहले यानी कि फ्यूल इंजेक्टर खोलने से पहले हमने इसका भी फ्यूल फिल्टर वगैरह था ये सभी कुछ चेंज कर दिया है, इसका ऑयल फिल्टर भी चेंज किया था क्योंकि सर्विस भी होने के लिए आई थी गाड़ी, तो हमने बाकी की इंजन की भी सर्विसिंग वगैरह कर दी है, एयर फिल्टर वगैरह भी इसका रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो खोलते हैं इसके फ्यूल इंजेक्टर। तो ये देखिए ये आपको पाइप और बोल्ट खोल करके इस तरीके से निकाल देने हैं इसके फ्यूल इंजेक्टर को बाहर। तो ये है इसका सिलेंडर नंबर 1 इंजेक्टर, ओके, सिलेंडर नंबर 2 इंजेक्टर। तो ये जो कार है ये है 112 TDI डीजल इंजन, तो ये बेसिकली 3 सिलेंडर डीजल इंजन है, वोल्सवैगन पोलो। ये देखिए तो ये टोटल 3 इंजेक्टर हैं इस कार के, ओके। और अभी हम निकालेंगे इस कॉमन रेन को बाहर, तो कॉमन रेन खोलने के लिए अभी हम यहाँ से इस पाइप को खोल देते हैं, ये दोनों बोर्ड खोलने होते हैं, बाकी कुछ वायरिंग हाने सॉकेट वगैरह हैं इनको खोलना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने इसकी जो वाटर पंप वगैरह है टाइमिंग बेल्ट वगैरह है इसको खोल दिया है, यानी कि वाटर पंप इस जगह पर फिटिंग थी वो भी खोल दी है। तो ये देखिए वाटर पंप की जो कंडीशन है ये आप देख सकते हैं, इसका जो इंपेलर है बिल्कुल अलग हो चुका है, जिसकी वजह से पानी था वो सर्कुलेट नहीं हो रहा था और कार ओवरहीट हो रही थी। तो मेनली जो प्रॉब्लम है वो इसी पार्ट की है, यानी कि पाइप वगैरह सब कुछ ठीक थे, ओके, रेडिएटर वगैरह भी इसका ठीक ही है इसके हिसाब से, क्योंकि वाटर पंप में ही मेन प्रॉब्लम है, इसी की वजह से कार ओवरहीट हो रही है। तो इसकी वाटर पंप वगैरह भी हम कर रहे हैं, और इस साइड हमने इसके फ्यूल इंजेक्टर और कॉमन रेल वगैरह भी इसको रिपेयर के लिए भेजा हुआ है। तो जो भी प्रॉब्लम है वो हम आपको दिखाएंगे, ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम और लो पिकअप की प्रॉब्लम और साथ ही साथ ब्लैक स्मोक वाइट स्मोक जो आ रहा था वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है नहीं, ओके। तो करते हैं इसमें बाकी का पार्ट भी फिटिंग, तो उससे उसके लिए अभी हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं इसकी टाइमिंग बेल्ट फेन बेल्ट और ये टेंशन हार्डर और वाटर पंप, यानी कि पूरा कम्प्लीटली एक तरीके से कहें तो टाइमिंग किट हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं, ओके।
तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हमने जिस तरीके से इस कार की जो प्रॉब्लम थी, यानी कि ओवर हीटिंग की और साथ ही साथ स्मोक वगैरह की, उसके लिए हमने जैसे कि खोले हुए थे फ्यूल इंजेक्टर, और फ्यूल इंजेक्टर हमने सर्विस वगैरह सब कुछ करा करके लिए हुए, यानी कि इसके जो फ्यूल इंजेक्टर को हमने रिपेयर करा के लिया हुआ है। इसके अंदर जो कंट्रोल वाल्व थे बेसिकली वो ख़राब हो चुके थे, जो कि हमने इस पर रिप्लेस किए हैं। और ये है इसका वाटर पम्प, जो कि पुराना वाटर पम्प इसका ख़राब हो गया था। इसका जो पीछे का ये बैक साइड इंपेलर है बिल्कुल फ्री हो गया था। इस पार्ट को हमने पूरा कम्प्लीटली वाटर पम्प रिप्लेस करा है, जो कि है वोल्क्सवैगन ऑडी जेन्युइन पार्ट। ओके, और ये आया था इस पैक के अंदर। बाकी का ये है इसकी कॉमन रेल, जिसको हमने सर्विसिंग करा के लिया हुआ है। और इस साइड ये है इसकी कंप्लीट टाइमिंग किट। तो जैसे कि इसमें टाइमिंग किट में आपको देखने को मिलेगी सबसे मेन पार्ट, जो कि है टाइमिंग बेल्ट। और ये है इना कंपनी, यानी कि INA कंपनी का ये टाइमिंग बेल्ट है। और पूरा जो किट है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। टाइमिंग किट जो है वो INA कंपनी का ही है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइमिंग बेल्ट किट। ओके, और बाकी का आपको इसमें एक मिलता है बेल्ट टेंशनर, जो कि टाइमिंग बेल्ट को टाइट करने का काम करता है। और इसमें आपको कुछ बेसिक जो इसके बोल्ट्स हैं या बोर्ड बैरिंग के स्टड हैं, नट हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है इसमें। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ओके, और ये इसका एक मिनी आइडलर बैरिंग और एक बिग आइडलर बैरिंग। बाकी का आपको इसमें एक इंट्रक्शन मैनुअल मिलता है, ये किस तरीके से रोटेट करता है कार के अंदर और टाइमिंग बेल्ट किस तरीके से होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है इसका बिग आइडलर। और इस साइड भी आपको एक इंट्रक्शन मैनुअल देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बताया गया है कौन सा आइडलर किस तरीके से होता है। ओके, ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और जो बेल्ट है वो बेल्ट का पूरा डायग्राम यहाँ पर मेंशन करके दिया गया है, ये इस तरीके से। ये देखिए केम सॉफ्ट की पुली, उसके बाद में छोटा सा एक स्मॉल आइडलर, हाई प्रेशर पम्प गियर, बिग आइडलर, वाटर पम्प, क्रैंक सॉफ्ट गियर, स्मॉल राइटर। तो ये रहा इसका स्मॉल राइटर, जो कि यहाँ पिक में शो किया गया है इस जगह पर। और वो है ये आइडला जो पिक में शो किया गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यानी कि हम इसे रिप्लेस करेंगे बेसिकली। ये कागज़ वगैरह हटाते हैं इसको साइड में। तो जो मेन पार्ट है यानी कि टाइमिंग बेल्ट की, ये बोल्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हम इसमें रिप्लेस करेंगे। इसका टेंशन वगैरह हम इसमें रिप्लेस करेंगे, टाइमिंग बेल्ट हम इस पर ये रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, और सबसे बड़ी मेन चीज़ जो कि गाड़ी जिस वजह से हीट हो रही थी, पानी सर्कुलेट नहीं कर रहा था, कूलेंट जो है सर्कुलेशन नहीं कर रहा था, वो था ये पार्ट जो कि ख़राब हो चुका है। इस पार्ट को हम रिप्लेस कर रहे हैं। कॉमन रेल हमने सर्विस करके ली हुई है, इंजेक्टर हमने सर्विस करके लिए हुए हैं। तो ये थे इसके कुछ बेसिक पार्ट जो कि हमने खोले हुए थे। तो करते हैं अब इसकी फिटिंग। तो बेसिकली जो वाटर पम्प का लोकेशन था, ये आपको हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, इस जगह पर इसकी लोकेशन है। तो उस एरिए को पूरा क्लीन करके और इस आइडल बैरिंग को चेंज करेंगे, इस बैरिंग को चेंज करेंगे। ओके, इस बिग आइडलर को चेंज करेंगे और बाकी के जो स्टड वगैरह हैं इसके, इन पार्ट को भी चेंज करेंगे और फिटिंग करेंगे इसमें टाइमिंग बेल्ट, वाटर पम्प, और किस तरीके से आपको उसका जो टाइमिंग है उसको मैच करना होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पर फिटिंग करेंगे हम इसके फ्यूल इंजेक्टर और कॉमन रेल। तो अभी हमने इस जगह पर जो इसके स्मॉल और बिग आइडलर है, दोनों आइडलर लगा दिए हैं और फिटिंग करेंगे हम इसमें अभी वाटर पम्प। तो बेसिकली वाटर पम्प पे हमें एक ये सिलिकॉन होता है, इसको लगाना होगा। और ये आप लगाएं भी और ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बिना लगाए भी लीकेज नहीं होता है, लेकिन आप संतुष्टि के लिए इसको लगा सकते हैं। और ट्रांसपेरेंटली आप इसमें सिलिकॉन यूज़ कीजिए। और सिलिकॉन लगाने के बाद अभी लगाते हैं इसका वाटर पम्प और फिर हम फिटिंग करेंगे इसकी टाइमिंग बेल्ट। ओके, और उसके बाद फिटिंग करेंगे इसके फ्यूल इंजेक्टर को मंडल। तो अभी हम आपको इसकी टाइमिंग वगैरह बताने वाले हैं स्पेशल टूल से, और बिना स्पेशल टूल से आप इसकी टाइमिंग को कैसे मैच कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेशल टूल नहीं है तो आप इसकी टाइमिंग को कैसे मैच कर सकते हैं, अगर आपके पास स्पेशल टूल है तो आप स्पेशल टूल से भी किस तरीके से आप इसकी टाइमिंग को मैच कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो बने रहिए, अभी करते हैं इसकी आगे की फिटिंग, जैसे कि इसका वाटर पम्प और टाइमिंग बेल्ट। तो फाइनली अभी हमने इस जगह पर फिटिंग कर दिया इसका वाटर पम्प, जो कि इस लोकेशन पर है। तो ये आप बोल्ट देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। तो टोटल आपको यहाँ पर इसके जो वाटर पम्प है, इस वाटर पम्प में ओनली आपको 3 ही बोल्ट लगाने होते हैं। बाकी के हमने इसके टेंशन वायरिंग वगैरह, आडले वायरिंग, स्मॉल आइटम वगैरह सब कुछ फिटिंग कर दिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगा वोल्क्सवैगन पोलो का, जो कि आप देख सकते हैं पूरा जो इंजन है जल चुका है और पूरी ये कार है ये भी जल चुकी है अंदर से, इसका ट्रांसमिशन वगैरह सब कुछ जल चुका है। ये है मारुति सुजुकी एर्टिगा, जो कि इस कार का भी इंजन ओवरऑल हो रहा है, बाकी का इंजन ओवरऑल पूरा कम्प्लीट करेंगे। यह है रेनॉल्ट डस्टर, तो इसका भी हम इंजन ओवरऑल कर रहे हैं, इसका भी वीडियो आपको आएगा। एर्टिगा का जो इंजन है वो इस जगह पर है। ओके, तो अभी आपको टोटल जो इंजन की वीडियो आनी है, डस्टर, एर्टिगा, वोल्क्सवैगन पोलो, और एक और अभी बचा हुआ है जो कि है VMW।
ओके तो अभी भी इसकी फिटिंग वगैरह खोली जा रही है। तो ये भी कार है BMW 1 सीरीज, तो इसका भी आपको पूरा कम्प्लीटली वीडियो आएगा जिसमें हम चेंज कर रहे हैं इसकी टाइमिंग किट वगैरह और इसके रॉकर आर्म वगैरह, ये सभी हमने खोले हुए हैं, सिलेंडर हेड की कुछ फिटिंग। ओके और इसका भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वगैरह सब कुछ खुला हुआ है, तो ये पूरा वीडियो भी आपको आने वाला है। बाकी क्या इसमें चल रहा है, एसी का काम, तो एसी की जो लीकेज वगैरह है वो चेक हो रही है, कहीं से लीकेज तो नहीं है, तो मीटर वगैरह इस जगह लगाए हुए हैं। ओके तो देखते हैं अभी वाटर फिटिंग हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए वाटर पम्प फिटिंग चल रहा है, वाटर पम्प की जो फिटिंग है वो की जा रही है, इसके जो बोल्ट हैं वो टाइट किए जा रहे हैं। और वाटर पम्प फिटिंग करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं इसका टाइमिंग वगैरह लॉक करके किस तरीके से क्या पोजीशन है इसके टाइमिंग को लॉक करने की और किस तरीके से इसको लॉक किया जाता है। ये देखिए वाटर पम्प फिटिंग हो चुका है। तो अभी अब आपको बताएंगे किस तरीके से आपको जो इसका इंजन टाइमिंग है उसको मैच करना है। तो ये देखिए हम एक मोबाइल की हेल्प से यहाँ पर जो उसका टाइमिंग एरिया है यानी कि जो लॉक करने का पोजीशन है उसको चेक कर रहे हैं। ओके कैमरा चालू करके मोबाइल से चेक करके हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग आपको मैच करना है नहीं करना है ये आपको डिपेंड है, क्योंकि आप मैच कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। और अभी हमने इसके अंदर से जो इसका स्पेशल टूल है वो हटाया हुआ है, बेसिकली आपको इसके अंदर एक ये क्लिप मिलती है, सेकंड ये पिन मिलती है जिससे आप क्रैंकशाफ्ट या हाई प्रेशर पंप कुछ भी लॉक कर सकते हैं, और एक और टूल मिलता है जो कि होता है क्रैंकशाफ्ट के लिए। वो टूल कहाँ क्यों, तो वो टूल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये है दूसरा टूल जो कि क्रैंकशाफ्ट के गियर को लॉक करने का काम करता है। यहाँ पर जो आपको इसमें इंजन टाइमिंग मैच करना होता है वो करना होता है इस तरीके से, इसमें आपको ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड के बीच में जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट पे एक छोटा सा एरो का मार्क दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस जगह पर। तो इस जगह एरो वाले पॉइंट पर आपको क्या करना है, इस पार्ट को यानी कि ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट में बेसिकली क्या है, ये वाली जो पिन है ये आएगी नीचे की साइड, और यहाँ पर इस टाइमिंग गियर पे इस जगह पर ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को इस टूल से मैच करना होता है। तो अभी मैं इसमें हाथ में पकड़ा हूँ, पीछे फ्लैश ऑन करके आपको पीछे ये देख रहे हैं ये छोटा सा होल है, इस होल पे हमें क्या करना है, इस पिन को लगाना होगा। तो अभी हम इस मोबाइल को हटा देते हैं, और ये रहा वो होल छोटा सा इस पिन वाली जगह पर, इसको फिटिंग करना है और 18 नंबर से आपको रोटेट करके चेक कर लेना है गियर जो है बिल्कुल प्रॉपर लॉक है या नहीं। तो एक बार आपको गियर को रोटेट करके चेक करा देते हैं बिल्कुल लॉक हो चुका है, तो इसके लिए आपको 18 नंबर का जो स्पैनर है उसको यूज करना होगा। और ये देखिए जो कैम सॉफ्ट है वो लॉक हो चुकी है, तो अभी करते हैं इसके इंजन को लॉक यानी कि इसकी क्रैंक सॉफ्ट को लॉक करेंगे। क्रैंक सॉफ्ट को लॉक कर दो, टॉर्च जला के दिखा दें लाइट से वो है, चलो तुम पहले लॉक कर लो सीधा करके। तो उसके लिए आपको जो इसका इंजन है इसको रोटेट करना है इस साइड, तो ये इस तरीके से आपको जो इसका इंजन टाइमिंग है यानी कि बेसिकली क्रैंक शाफ्ट जब आप लॉक करेंगे उस टाइम पे क्या होगा, एक नंबर जो सिलेंडर पिस्टन है वो टॉप पे होगा यानी टॉप डेड सेंसर पे होगा, TDC पोजीशन पे होगा, तो एक नंबर सिलेंडर पिस्टन टॉप पे होना चाहिए। और इस तरीके से आपको फिटिंग करना है, ये देखिए ओके। और अभी हम मैच करेंगे इसका हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग, और ये डिपेंड आपके ऊपर ही करता है यानी कि आप मैच ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस टाइमिंग पे। आप देख सकते हैं अभी हमने इसका जो टाइमिंग बेल्ट है उसको टाइमिंग लॉक करके फिटिंग किया हुआ है, ये देखिए हमने इस जगह से स्पेंसर टाइमिंग गियर को लॉक किया है, ये इस जगह से हमने इसके हाई प्रेशर पंप को लॉक किया है। अगर आप लॉक ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाटर पंप इस जगह पर फिटिंग हो चुका है, टेंशन वेरिंग की जगह फिटिंग है, आइडल वेरिंग की जगह फिटिंग है, मिनी आइडल वेरिंग की जगह फिटिंग है, क्रैंकशाफ्ट का जो गियर है वो नीचे की साइड है। तो एक बार मैं आपको डायग्राम की माध्यम से एक बार और बता देता हूँ डिटेल में किस तरीके से ये टाइमिंग बेल्ट से फिटिंग होता है। बेसिकली ये है इसका क्रैंक गियर जो कि नीचे की साइड ये हमने लॉक किया हुआ है, इसका जो टाइमिंग है वो आप इस जगह देख सकते हैं, ये इस एरो पर इस तरीके से मैच किया जाता है यानी कि ये इसके पॉइंट पर ये बोल्ट के थ्रेड के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने इस एरो से मैच किया हुआ है, इस टूल पे एक एरो है ओके इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से ये आपको यहाँ पर रखना होता है। और बाकी का अब बात आती है इसके आगे, ये यानी कि इसका जो बेल्ट का डायग्राम है वो किस तरीके से इस पर लगा हुआ है कार के अंदर। ये क्रैंकशाफ्ट से ये आप देख सकते हैं वाटर पंप है, तो ये है वाटर पंप इस जगह पर ओके। अगला जो गियर है वो है आइडलर बेयरिंग, तो ये रहा वो आइडलर बेयरिंग,
उसके बाद है हाई प्रेशर पंप। तो ये हो गया हाई प्रेशर पंप का गियर जिस जगह पर ये वेल्ट फिटिंग है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा मिनी आर्डर लगेगा जो कि हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे बेसिकली इस जगह पर, ओके। और ये है इसका बड़ा वाला गियर, यानी कि ये है इसका के एम गियर, ये साइड के एम सॉफ्ट का गियर है। और उसके बाद है इसका एडजस्टर बैरिंग, तो ये बेल्ट को टाइट करने का काम करता है। और ये है इसका स्मॉल आइडलर, तो स्मॉल आइडलर इस जगह पर यहाँ पर हमने फिटिंग किया हुआ है। तो बेसिकली इस तरीके से इसका डायग्राम है, इस फोटो में आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बेल्ट की रोटेशन वगैरह है देने होते हैं, राउंड देने होते हैं, लगा दिया है। यहाँ पर अभी हम इसका ये मिनी आइडलर इसको लगा देंगे, और लगाने के बाद एक बार कोई क्रैंकिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना इस पर, नॉर्मली आपको एक स्पैनर की हेल्प से आपको इंजन को रोटेट करके चेक करना है दो राउंड लगा करके, कहीं इंजन में कोई रुकावट या कोई बाल वगैरह बैंड टकराए तो नहीं रहे, यानी कि इंजन का टाइमिंग है वो प्रॉपर आपने मैच किया नहीं किया, तो एक बार आप उसको ज़रूर चेक कीजिए, ओके। और इस टूल का जो लिंक है वो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से इस टूल को परचेज़ कर सकते हैं। कोई ज़्यादा खास महंगा ये टूल नहीं आता है, बहुत ही नॉर्मली बहुत ही सस्ते रेट में ही चीप प्राइस में ये टूल आपको आसानी से मिल जाएगा, आप उस लिंक पर जा करके इस टूल को परचेज कर सकते हैं। तो आपको जो बेल्ट टाइट करनी रहती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये इस पर 6 नंबर का एलिंकी लगाना होगा, इस बोल्ट को आपको लूज करना है। और इस जगह पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये आपको इस कट के बीच में रखना है, यानी कि ये जो एरो है ये इस कट के बीच में रखना है। लेकिन ये आपको रखना कब है, उससे पहले आपको ये आर्टलर लगाना होता है, आर्टलर लगाने के बाद ही आपको ये बेल्ट को टाइट करना होगा, ओके। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पर पहले रख देते हैं और आर्टलर अगर आप बाद में लगाते हैं तो उससे होगा कि बेल्ट जो है वो ओवर टाइट हो जाएगी, ओके, और बेल्ट जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, या अगर मैं कहूँ वाटर पम्प भी जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। वाटर पम्प लीकेज भी होगा, वाटर पम्प का वायरिंग भी ख़राब होगा क्योंकि लोड पड़ता है सभी वायरिंगों पर, और सबसे जल्दी जो ख़राब होता है वायरिंग वो होता है वाटर पम्प का। तो ये आर्टर इसका लगा देते हैं। तो इस तरीके से सिंपल सा सरल भाषा में मैंने आपको बताया, इस जगह से आपको हाई प्रेशर पम्प लॉक कर कैमशाफ्ट को लॉक करना है। हाई प्रेशर पम्प इस साइड गियर है, आप उसको लॉक करते हैं नहीं करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी स्टार्ट होगी स्टार्टिंग में या अगर मैं कहूँ पिकअप में या किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यहाँ पर हमने फिर भी कम्प्लीटली इसका जो टाइमिंग है वो मैच करके लिया हुआ है, क्रैंकशाफ्ट का टाइमिंग मैच करके लिया हुआ है। अब करते हैं इसके बाकी की फिटिंग, तो वीडियो बने रहिए। और इस टूल को जाकर के आप परचेस करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टूल का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से टूल को ख़रीद सकते हैं। तब तक करते हैं इसकी फिटिंग, तब तक मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। लॉकडाउन के बाद वर्कशॉप खुलने के बाद एकदम ही इतना लोड है, ये आप देख सकते हैं सामने, ये देखिए कितनी गाड़ियाँ जो हैं लगी हुई हैं, जिनमें कि अभी जो ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो एसी की हैं, एसी की गाड़ियाँ काफ़ी हैं। ये देखिए ये वॉल्सवैगन कार है जो कि ये भी एसी का काम है इस कार के अंदर, और ये न्यू कार है वॉल्सवैगन की जो कि है टिगोन, ओके। ये देखिए इस पर मेंशन करके दिया हुआ है TDI एडिशन 4 मोशन टिगोन। और इस साइड ये देखिए बाहर भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं, जो कि सभी गाड़ी में ज़्यादा अधिकतर जो काम निकल रहा है कार के अंदर वो एसी का ही निकल रहा है। इस कार में कुछ छोटे मोटे काम है जैसे कि टर्बो चार्जर वगैरह के, वो भी हमने इसके पाइप वगैरह खोले हुए हैं। ये होंडा इसमें भी एसी का नॉर्मल काम है, बाहर जितनी भी ये गाड़ियों के लगी हुई हैं अधिकतर सभी गाड़ियों में एसी का ही काम है। इस कार पे भी एसी का ही काम है, और इस कार में कुछ छोटे मोटे बेसिकली मैकेनिकल जॉब है जैसे कि ब्रेक वगैरह। तो अब देखते हैं पोलो का जो टेस्टर वायरिंग है वो फिटिंग हुआ या नहीं। तो इस कार में भी एसी का काम चल रहा है, और करते हैं ये देखिए इसका जो टेस्टर आइटना वायरिंग है वो फिटिंग हो चुका है, और अभी हम टाइट करेंगे इसका एडजस्टर वायरिंग। देख सकते हैं इस जगह पर हमने जो इसका स्मॉल डायोड था वो फिटिंग कर दिया है। हाई प्रेशर पंप का जो गियर है वो इस जगह पर लॉक किया जाता है, तो आप आसानी से इसको लॉक कर सकते हैं। बेगा आइटलर इस जगह पर है, कैमशाफ्ट का जो लॉक है वो इस जगह पर है, दोबारा से बता रहा हूँ। और बेल्ट टाइट करने के बाद ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये एरो को मैच करना होता है। रही बात नीचे की साइड से, आप देख सकते हैं इसका जो टाइमिंग है वो कुछ इस तरीके से आपको मैच करना होता है, ओके। तो ये था इसका इंजन टाइमिंग, और नॉर्मली इस तरीके से हमने इसका इंजन टाइमिंग को फिटिंग कर दिया। बाकी के फिटिंग करते हैं इसकी, जैसे कि इसका जो मेन पार्ट था फ्यूल इंजेक्टर कॉमन रेल, तो ये है इस कार के पार्ट इन दोनों, और ये है इसका पुराना पार्ट। तो ये फिटिंग करते हैं इसके फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल सिस्टम को, ओके। तो बाकी का भी चल देखते हैं इसकी एसी की कूलिंग वगैरह में क्या प्रॉब्लम है।
तो ये है 2.0 TDI इंजन वॉल सेकेंड टिकॉन, और इस कार में चल रहा है एसी का लीकेज करंट है, और गैस वगैरह इसमें आप देख सकते हैं टॉपअप कर रहे हैं, जैसे कि गैस जो है वो कम हो गई है, लेकिन अभी इसमें गैस टॉपअप कर रहे हैं, माइनर लीकेज है। ओके, माइनर लीकेज है, लेकिन अभी क्या है कि काम का काफ़ी लोड लगा हुआ है, जिसकी वजह से अभी हम इसमें ओनली गैस टॉपअप करके ही इसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये है इसका एसी का स्पेशल टूल, जो कि है एसी रिचार्ज मशीन। इसमें आप ऑयल वगैरह भी इसमें चेंज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पुराना ऑयल कार के अंदर से बाहर, और इसके अंदर से नए ऑयल कार के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी मशीन को स्टार्ट किया हुआ है, और अभी टिकॉन में गैस वगैरह इसकी पूरी कंप्लीट रिचार्ज करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने फिटिंग कर दिया इसका नीचे की बैक साइड, ये आप देख सकते हैं इसका इंजन ब्रैकेट है, वैसे कि इसके ऊपर ही माउंट किया जाता है इंजन माउंट, और इस साइड अभी फिटिंग कर रहे हैं इसकी कॉमन रेल, और इसके इंजेक्टर वाली एरिया को क्लीन करके, यानी कि इसके इंटरनल जो हेड वाले एरिया है उसके होल्स के अंदर को क्लीन करके फिटिंग करेंगे इसके फ्यूल इंजेक्टर। तो फिटिंग करते हैं इसके फ्यूल इंजेक्टर और कॉमन रेल, टैंगल्ड पूरा कम्प्लीटली फिटिंग हो चुका है, और फिर इस कार में जो प्रॉब्लम थी यानी कि स्मोक की और ओवर हीटिंग की, वो प्रॉब्लम चेक करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं, और इस जगह पर रिप्लेस है इसका ये फ्यूल फिल्टर। बेसिकली कॉमन रेल खोलने के लिए आपको इस पाइप को खोलना होता है, और दो बोल्ट होते हैं इस जगह पर, बाकी का यहाँ पर DRB का सॉकेट हटाना है, कॉमन रेल प्रेशर सेंसर का आपको सॉकेट हटाना होता है। ओके ओके, और फिटिंग करते हैं इसके फ्यूल इंजेक्टर, और कभी भी अगर आपके पास स्पेशल टूल नहीं है तो आप यहाँ नीचे बैक साइड में एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, और आप इस जगह पर इस जगह से इसका जो टाइमिंग मार्क है इससे इसकी टाइमिंग उसको मैच कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने ये इसकी जो कॉमन रेल थी इसको फिटिंग कर दिया था, तो ये थे इसके फ्यूल इंजेक्टर, जो कि हमने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नंबर वाई नंबर लगा दिया है, इसको अच्छे से क्लीन करके, और ये है इसके ब्रैकेट, और इसके जो पाइप हैं वो CR सिस्टम से जो कनेक्टेड होता है पाइप कॉमन रेल टू इंजेक्टर, ये इस तरीके से आपको इसके पाइप लगाने होते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर इंजेक्टर का भी पाइप लगा देते हैं इस तरीके से, और ये है इसका पाइप, और इस पाइप को भी हम इस जगह पर फिटिंग करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे फ्यूल इंजेक्टर जो है फिटिंग कर दिए पाइप लगा दिए, तो सबसे पहले आपको जो कॉमन रेल की साइड से जो पाइप है इंजेक्टर के जो पाइप है, कभी भी आपको डेल्फिक इंजेक्टर की एयर ब्लीड करनी है, बेसिकली होता क्या है ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई लोग कहते हैं कि इंजेक्टर जो है लॉक हो जाता है डेल्फिक एयर ब्लीड करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है इंजेक्टर की साइड से आपको पाइप को लूज रखना है, और कॉमन रेल की साइड से आपको पाइप को टाइट रखना है। इसका सबसे बड़ा मेन जो टेक्निकल रीज़न है वो ये है, आपको क्या करना है जैसे सिंपली कोई भी गाड़ी हो, ये देखिए कॉमन रेल जो है इंजेक्टर की हाइट से नीचे है, तो एयर हमेशा क्या होगा ऊपर की साइड आएगी, अगर जो एयर के बबल्स हैं वो कहाँ जाएंगे ऊपर की साइड जाएंगे, तो इसलिए हमने इंजेक्टर की साइड से जो पाइप है उनको ढीला किया हुआ है यानी लूज रखा हुआ है, और कॉमन रेल से हमें यहाँ तक हमें एक बार इसकी जो एयर है उसको ब्लीड करना है। बेसिकली क्या है ये वाला जो पाइप है ये अभी हमने लूज रखा है, तो अभी हम क्या करेंगे इसमें क्रैंकिंग करेंगे और एयर ब्लीड करके आपको अच्छे से सही तरीके से दिखाएंगे किस तरीके से आपको इसकी एयर जो है ब्लीड करनी है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो उससे पहले हमें इसका जो रिटर्न लाइन वगैरह पाइप वगैरह हैं, यानी कि बेसिकली होता क्या है जब ओवर प्रेशर बन जाता है तो DRB क्या करता है सीधा डीजल जो है रिटर्न कर देता है फ्यूल टैंक के लिए, तो वो सभी पाइप लगा देने हैं, और इसकी एयर आपको इस तरीके से निकाल के दिखाएंगे कि जो इसके फ्यूल इंजेक्टर है बिल्कुल भी लॉक नहीं होंगे 110% बिल्कुल लॉक नहीं होगा, और एक बार में ही कार जो है स्टार्ट होती है और एक ही बार में कार स्टार्ट होगी। ओके, तो देखते हैं किस तरीके से अभी हम इसकी जो एयर है उसको ब्लीड करेंगे। यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, इसमें जो फाउंडेशन वगैरह थे यानी कि इसका जो इंजन माउंटिंग है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है ये कार के ऊपर, ये देखिए इस जगह साइड पूरा कुछ कंप्लीट हो चुका है, और जो इंजेक्टर की रिटर्न लाइन है ये हमने एक बोतल में लगाई हुई है, जैसे कि हम कार को स्टार्ट कर लेंगे तो उसका जो रिटर्न आएगा वो टैंक में ना जा करके सीधा इस बोतल में इकट्ठा हो जाएगा, और अभी हमने इंजेक्टर की स्पार्किंग के सॉकेट वगैरह नहीं लगाए हैं। तो अब आपको इसकी जो स्पेशली जो एयर ब्लीड करनी है वो कैसे करनी है, टर्मिनल हमने लगाए हुए हैं कॉमन रेल की साइड से, हमने सभी पाइपों को टाइट किया हुआ है, टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, इंजेक्टर का आपको कोई भी सॉकेट नहीं लगाना है, ये सॉकेट आपको आउट करके रखना है बिल्कुल। तो अभी हम करेंगे इसमें क्रैंकिंग, और सबसे पहले हम यहाँ कॉमन रेल पे चेक करेंगे फ्यूल आता है या नहीं, तो क्रैंकिंग करने के बाद ही यहाँ फ्यूल आएगा, तो करते हैं क्रैंकिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्यूल है वो आ चुका है, तो एक बार इसको टाइट कर देते हैं,
ओके तो ये टाइट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बार और एक दो बार लॉन्ग क्रैकिंग करेंगे जिससे कि जो इंजेक्टर तक जो फ्यूल है वो आसानी से आ जाए। स्विच काट काट के देखिए, दो नंबर, तीन नंबर और सिलेंडर नंबर वन पे, यानी कि तीनों इंजेक्टर पे जो फ्यूल है वो आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इन पाइपों को टाइट कर देते हैं। तो आप देखिए बड़े ही आसानी से हम इसकी एयर को ब्लीड करेंगे और कोई भी इंजेक्टर जो है वो लॉक नहीं होगा। बड़े ही आसानी से आप इसके इंजेक्टर की जो एयर है उसको निकाल सकते हैं। ओके तो ये थर्ड नंबर इंजेक्टर भी टाइट कर देते हैं। तो जैसे ही फ्यूल आ जाता है तो आपको तीनों पाइप जो है टाइट कर देने। इसमें कोई भी वीडियो एडिटिंग या मैं कोई भी कट वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, जैसे मैं आपको लाइव दिख रहा है उसी तरीके से मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ कि हाँ हम इसकी एयर को किस तरीके से ब्लेड करते हैं जिससे कि जो इंजेक्टर है वो लॉक ना हो। ओके तो ये थर्ड नंबर इंजेक्टर टाइट, टू वन। और कॉमन रेल की साइड से ही मैं आपको पाइप चेक करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से भी टाइट है, यहाँ से ऑलरेडी पहले हमने टाइट किया हुआ था। तो सबसे पहले आपको पाइप जो टाइट करना है वो करना है कॉमन रेल की साइड से, जिससे कि जो पाइप है ये वाला एरिया ऊपर रहता है तो जो एयर आती है वो सीधा ऊपर की साइड ही आएगी और डीजल हमेशा नीचे की साइड रहेगा क्योंकि वो एक तरीके से लिक्विड है। तो अब करते हैं एक बार और क्रैंकिंग, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने अभी वायर को नहीं लगाया है। बस तो आप देख सकते हैं हमने अभी इसमें क्रैंकिंग कर दी। अब क्या हुआ, जो हाई प्रेशर यानी कि डीजल था वो इस इंजेक्टर में हमने सॉकेट नहीं लगाया, जिसकी वजह से जो प्रेशर है डीजल का जो प्रेशर है, क्योंकि डीजल नीचे ड्रॉप करेगा नहीं पिस्टन पे, कमीशन होगा नहीं, तो उससे क्या होगा जो प्रेशर है वो यहीं की यहीं डीजल में बना हुआ है। अभी इसकी जो लाइन है इस पर पूरी अच्छे तरीके से प्रेशर बन गया है। अब हम इसके जो वायरिंग के जितने भी सॉकेट है यानी कि इंजेक्टर के या टर्बो चार्जर के जो भी एक्स्ट्रा यूनिट हमने निकाले हुए सभी सॉकेटों को लगा देते हैं। तो ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर आपको सॉकेट अच्छे से लगा देना है इनकी। तो ये देखिए मैं थर्ड नंबर सॉकेट इसका लगा देता हूँ। तो आसानी से आपको बढ़िया तरीके से सॉकेट को लगा देना है। तो ये सेकंड नंबर, तो ये देखिए सेकंड नंबर भी सॉकेट लग चुका है, फर्स्ट नंबर भी सॉकेट लग चुका है, थर्ड नंबर भी लग चुका है। टर्बो चार्जर के ऊपर का ये बूस्ट प्रेशर सेंसर, बेसिकली आप इसको VJT बोल सकते हैं, इसकी ये पोजीशन सेंसर है, इसका भी हमने सर्किट लगा दिया है। अभी भी हमने इंजेक्टर की रिटर्न लाइन है वो नहीं लगाई हुई है। ओके तो अब क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें कार को स्टार्ट करना है, ना ही हमने इसमें कूलेंट की जो बोतल है उसको लगाया हुआ है। तो आपको एक दो सेकंड के लिए कार को स्टार्ट करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप देख सकते हैं कार स्टार्ट हो चुकी है। ओके बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो अभी हमें क्या करना है, हम कार को बंद कर देते हैं। तो कार स्टार्ट हो गई एक बार में, ना ही कोई इंजेक्टर लॉक हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब हमें क्या करना है, क्योंकि अभी हमने बेसिकली इसके जो देखिए थ्रॉटल बॉडी के पाइप वगैरह हैं और आगे से कुछ टर्बो चार्जर के पाइप वगैरह हैं वो खोले हुए हैं, इसके लिए ही हमने इसकी जो कार की स्टार्टिंग थी इसलिए अभी हमने ऑफ कर दिए। अब हम इसकी जो रिटर्न लाइन वगैरह है, बाकी के जो पाइप हैं, इन सभी पाइपों को लगा देते हैं। इस साइड हम कूलेंट बोतल लगा देते हैं जैसे कि कार हीट ना हो, इंजन को नॉर्मली जो कूलेंट है वो मिलता रहे। क्योंकि अगर आप 5 मिनट के लिए भी उंगली पर इस हथेली पे भी अगर आप उंगली घिसेंगे एक तरीके से, अगर मैं आपको बताऊं तो, या इस तरीके से घिसेंगे तो आप समझ सकते हैं वो कितनी गर्म हो जाती है। इसी तरीके से सिलेंडर पिस्टन जब ऊपर नीचे सिलेंडर बोर में चलता है तो बोर भी बहुत जल्दी हीट हो जाता है, तो उसी के साइड में चलता है कूलेंट। तो अभी हम कूलेंट को डालेंगे, टॉप अप करेंगे और उसके बाद हम आपको उसको स्टार्ट करके जो उसकी प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग और ओवर हीटिंग और स्मोकी वो सॉल्व हुई या ना हुई ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इजीली बड़े ही छोटे से स्टेप में इसकी जो एयर थी वो ब्लीड कर दी, ना ही कोई इंजेक्टर लॉक और ना ही कोई प्रॉब्लम। ओके तो अभी कर देते हैं इसकी पूरी कंप्लीट फिटिंग। जो भी फिटिंग थी बेसिक, जो अभी हमने इसके टर्बो चार्जर के पाइप वगैरह खोले हुए थे, बेसिकली वो एयर फिल्टर वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। बेसिकली जो अभी हुआ था क्या, जब मैं हम गाड़ी को एयर निकालने का स्टार्ट कर रहे थे, थोड़ा सा RPM लो था कार का, वो लो इसलिए था क्योंकि मास एयर फ्लो सेंसर का सर्किट लगा हुआ था लेकिन जो पाइप थे वो खुले हुए थे, जिसकी वजह से RPM जो था एक तरीके से ज़्यादा डाउन था। ओके इंजेक्टर एयर निकालने का, लेकिन अभी हमने क्या किया, पूरी फिटिंग कर दी है, सभी पाइप वगैरह सब कुछ लगा दिया है, कूलेंट की बोतल भी लगा दी है। अभी नॉर्मल हमने यहाँ पे सादा ही डिस्टिल वाटर इसमें डाला हुआ है लीकेज टेस्ट करने के लिए। बम्पर वगैरह अभी भी खुला हुआ है, पुराना जो पार्ट था वो इस जगह पर है, जैसे कि इसके टेंशन वायरिंग, आटले वायरिंग वगैरह। और ये था इसका वाटर पम्प, तो ये देखिए वाटर पम्प का जो इंपेलर है बिल्कुल फ्री हो चुका है और इसी पार्ट की वजह से ही इसका जो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम था वो था।
ओके तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार आपको कार को स्टार्ट करके चेक कराते हैं कार में कैसी भी कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंजेक्टर लॉकिंग वगैरह या कोई नॉकिंग वगैरह या कोई स्टार्टिंग लेट वगैरह की प्रॉब्लम। तो ये देखिए, तो कार स्टार्ट हो चुकी है, कोई चेक लाइट नहीं, कोई भी बॉर्डिंग लाइट नहीं, ओके ना ही कोई ऑयल की लाइट, कूलेंट की लाइट, ना ही कोई ओवरहीटिंग वगैरह। तो बेसिकली होता क्या है, VW की पोलो वेंटो वगैरह इनमें टेम्परेचर गेज तो होता नहीं है, ना ही कोई टेम्परेचर का कोई सिग्नल यहाँ पर शो कर रहा है, वो जब ही शो करेगा जब कार ओवरहीट होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इस कार को स्टार्ट रहने देते हैं और पीछे बैक साइड में आपको स्मोक भी दिखा देता हूँ, स्मोक वगैरह तो नहीं है इस कार के अंदर। एक बार एक्सीलेटर करना है ना, तो अभी एक बार आपको एक्सीलेटर लगा कर चेक कराएंगे तो कहीं कार में कोई ब्लैक स्मोक या वाइट स्मोक की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कैसा भी कोई स्मोक नहीं है, फुल RPM यहाँ पर प्रेस किया हुआ है। एक बार प्रेस करके रखो, ये देखिए RPM आइडल कंडीशन पे ही हमने कार को स्टार्ट किया हुआ है और कोई स्मोक नहीं है, नो स्मोक, तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्मोक में, एकदम ओके है कार। और कार के इंजन की जो आवाज़ है वो भी हम आपको चेक करा देते हैं। करो स्टार्ट, ये देखिए कार की स्टार्टिंग भी बिल्कुल ओके है, ना ही कोई टाइमिंग की प्रॉब्लम, ना ही कुछ कैसी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ऑल ओके कार। और ओवरहीटिंग की बात करें तो ये देखिए ओवरहीटिंग वगैरह भी बिल्कुल नहीं है। अभी हमने कूलेंट का कैप लगाया हुआ है जिससे कि जो फ़ैन है यानी कि रेडिएटर फ़ैन है वो ऑटोमेटिक चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। और अभी करेंगे इसका बम्पर फिटिंग, फिर एक छोटी सी चर्चा भी कि आपको चेक कराएंगे कार में जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी एक्सीलेटर प्रेस करने का, एक्सीलेटर छोड़ रही थी या ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई नहीं। फ्रेंड्स कार पूरी कंप्लीट हो चुकी है और जैसा आप देख सकते हैं अभी मैंने इस कार का आगे का जो बम्पर है वो फिटिंग नहीं किया हुआ है। अभी मैं लेने जा रहा हूँ इस कार की एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव और टेस्ट ड्राइव लेके चेक करेंगे इस कार में आपको ऐसी भी कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी आप यहाँ पर इसका जो किलोमीटर है उसको ट्रिप जीरो कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं ट्रिप जो है अभी हमने जीरो किया हुआ है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे पर और गाड़ी हमारी फोर्थ गियर में है और लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कूलिंग टेम्परेचर जो है वो है 92 डिग्री, ओके। तो एक बार इसको थोड़ा सा भगा करके भी चेक कर लेते हैं, नहीं अब देखते हैं एक बार भगा के। चेक कर लिया, कोई ओवरहीटिंग की लाइट वगैरह या कोई भी हीटर प्लग या कोई चेक लाइट वगैरह नहीं आई है और पूरा मैंने रेड लाइन तक RPM को खींचा हुआ था, ओके। तो आप लोगों ने देखा कार बिल्कुल ओके है, पहले क्या था पहले तो इतने में तो ये इंजन ही बहुत ही ज़्यादा ओवरहीट हो जाता था, इस तरीके की प्रॉब्लम आती थी। अभी रोड भी एक तो हाईवे वगैरह ये सब जगह काम चल ही रहा है इसलिए भी ज़्यादा मौका मिल नहीं पा रहा गाड़ी को क्लियरली भगाने का। एक बार फिर से कोशिश करेंगे आगे, बाकी का कार में प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। ये आप देखिए जैसे जैसे एक्सीलेटर दबाओ वैसे वैसे गाड़ी भाग रही है अच्छी तरीके से, एकदम स्पीड अप बिल्कुल एकदम परफेक्ट लगता है ना, एकदम पावर वाली फीलिंग, एक टॉर्क एकदम दबा के। तो एक बार शायद यहाँ पर मौका हमें मिल जाए, यहाँ पर अभी हम चेक करेंगे। आपको टेम्परेचर चेक करा देता हूँ, तो 93 डिग्री टेम्परेचर है। तो एक बार और चेक करते हैं, फोर्थ गियर लगा हुआ है, एक बार फिर से रेड लाइन को टच करके देखेंगे, फोर्थ फिफ्थ डाल देते हैं तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे हम आ चुके हैं, 120 तक, क्योंकि इससे आगे मेरी मानने में भगाना इतना ज़्यादा बेटर नहीं है, सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है।
भगाने में कुछ नहीं रखा ओके तो मैंने मैक्सिमम इसको 138-135 के आसपास तक मैं इस कार को भगा के चेक कर लिया और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, एकदम मस्त चल रही है। ये देखिए कोई क्लो प्लग लाइट नहीं, कोई चेक लाइट नहीं, कोई हीटिंग लाइट नहीं, और ये देखिए टेम्परेचर 93 डिग्री, टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल है इंजन का, ना ही कोई हाई टेम्परेचर है। ये देखिए हाईवे पे भगाना सेफ क्यों नहीं है, ये आप देख सकते हैं सामने से एकदम ही ट्रक निकला है। इस वजह से अगर मैं सपोज एग्जांपल अगर मैं वहाँ से 150-170 की स्पीड पर गाड़ी लेके आता, ये ट्रक यहाँ से मुड़ा था और ये रहा, तो लगेगा तो क्या होगा, पर एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए प्लीज़ ड्राइव करते टाइम 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं तो अभी मैकेनिक हूँ तो इसलिए इसको चेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी गाड़ी को ज़्यादा नहीं भगाता, नॉर्मली अपना 80-100 की मैक्सिमम स्पीड तक ही गाड़ी को चेक करता हूँ। बाकी का भाई कोई कस्टमर कहता भी है कि ये मेरी गाड़ी भागती है, तो सर आप मुझे भगा के दिखाओ कैसे नहीं भाग रही, मैं बगल में बैठ जाता हूँ सीट बेल्ट लगा के आराम से स्कैनिंग करते रहते हैं, आराम से चलने दो, क्योंकि गाड़ी अगर नहीं भागेगी ना तो वो जीरो से बीस की स्पीड में पता चल जाता, गाड़ी की आवाज़ से पता चल जाता कि गाड़ी पिकअप नहीं है। ओके तो गाड़ी पिकअप होगा तो वो आपको उठाने में फीलिंग आ जाएगी कि हाँ आप गाड़ी में पावर आ चुकी है। तो कार का एक्सीलेटर छोड़ना, काम एक्सीलेटर ना काम करना, बार बार ये प्रॉब्लम आती थी, साथ ही साथ इसमें क्लो प्लग की चेक इंजन की लाइट आती थी, ये सारी प्रॉब्लम एकदम सॉर्ट आउट कर दी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार के अंदर, एकदम मस्त तरीके से रॉकेट की तरह शो, कैसे एक तरह रॉकेट की तरह शो, एकदम मस्त, पूरा रेड लाइट को टच करता है, एकदम मस्त, कोई स्मोक नहीं कुछ नहीं। एक बार मैं आपको मिरर खोल कर दिखा देता हूँ, साइड मिरर में आप देखिए कोई स्मोक नहीं है, कुछ नहीं है, है ना, कोई स्मोक वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ओके। तो ये मिरर कुछ इसका ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, साइड ग्लास जो है, पहुंचने वाले हैं और लगभग हम समझते हैं कि वर्कशॉप पहुंचने तक हम कार को 25 किलोमीटर लगभग चला चुके हैं। आ गया भैया गेट पे ही हूँ, देखो जी खड़ा हूँ बाहर, ये देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं वर्कशॉप पर। ओके तो कार को करते हैं ऑफ, एक बार स्टार्ट, नो लाइट, और कार का जो किलोमीटर वगैरह है वो टोटल यहाँ शो कर रहा है 25.1, यानी 25 किलोमीटर हम इस कार को चला के ड्राइव करके आए हुए हैं। एक बार आपको मैं स्मोक वगैरह भी चेक करा देता हूँ एक्सीलेटर लगा करके, तो कोई स्मोक नहीं कुछ नहीं, ओके कोई स्मोक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ओके है। तो अभी इसका जो बम्पर वगैरह है उसको फिटिंग करेंगे, स्कैनर वगैरह सब कुछ कार में से निकाल देते हैं। ओके तो सब कुछ ओके डन।